हे गाइस, स्वागत है आपका ट्रिकन मुक्सर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है अपने किसी भी गाने में बेस कैसे ऐड कर सकते हो या फिर बेस बूस्ट कैसे कर सकते हो, और उसके साथ ही जो अलग अलग इफेक्ट होते हैं जैसे कि इको इफेक्ट या फिर और भी बहुत ही कमाल के जो इफेक्ट है वो आप अपने गाने में कैसे लगा सकते हो, और वो भी बहुत ही आसानी से। तो उसके लिए जो है आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना होगा, तभी आप भी जो है इस तरह के इफेक्ट अपने गाने में लगा सकते हो और वो भी बहुत ही आसानी से। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो घंटी है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक डेमो दिखा देता हूँ, तो उसके बाद हम देखेंगे आप कैसे इस तरह का इफेक्ट बना सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। तो इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद सिंपल से आपको इसको ओपन करना है। तो एप्लीकेशन जैसे आप ओपन करोगे तो आपको कुछ देर वेट करना है। तो वेट करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको सारे ऑप्शन नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सीधा चलते हैं बेस बूस्ट कैसे करना है उस पर। तो उसके लिए आपको सीधा यहाँ पर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा वॉइस चेंजर नाम से, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जिस भी सॉन्ग में बेस ऐड करना है या फिर किसी भी इफेक्ट को आप ऐड करना चाहते हो उस सॉन्ग को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए कोई भी जो है ऑडियो सिलेक्ट कर देता हूँ। तो सॉन्ग पर क्लिक करने के बाद ये जो सॉन्ग है वो इसमें ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो सॉन्ग है वो यहाँ पर ऐड हो गया है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी हमने इसमें जो है बेस बूस्ट नहीं किया है। तो सबसे पहले आप नॉर्मल वाला प्ले करके दिखा देता हूँ आपको किस तरह से इसका जो है साउंड है, उसके बाद आपको यहाँ पर मैं बेस बूस्ट करके भी दिखाऊँगा। तो यहाँ पर मैं प्ले करता हूँ। यहाँ पर मैं ज़्यादा देर प्ले नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट का प्रॉब्लम आ सकता है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको बेस बूस्ट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट मिल जाते हैं। तो आपको जो भी इफेक्ट अच्छा लगे वो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि आप इसका जो बेस है वो कैसे बढ़ा सकते हो। तो उसके लिए आपको सिंपल से स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन मिलेगा बेस बूस्ट का, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो सिंपल से आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, और जहाँ तक तो यहाँ पर मैं सबसे पहले साउंड कम कर देता हूँ, और उसके बाद आप यहाँ पर जहाँ तक भी इसको रखना चाहते हो वहाँ तक आप स्लाइड कर लीजिए। स्लाइड करने के बाद आप यहाँ पर फिर से क्लिक कर दीजिए, तो ये जो इफेक्ट है वो इसमें लग जाएगा। तो अभी आपको मैं स्टार्टिंग पॉइंट पर आके फिर से प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से प्ले करके दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी हमने इसका जो बेस है वो बढ़ा दिया है। तो अभी मैं आपको प्ले करके सुनाऊँगा। तो आपने सुना होगा किस तरह से इसका जो बेस है वो बढ़ गया है। तो इसी तरह से जो है आपको इसमें बहुत सारे इफेक्ट मिल जाते हैं, तो आपको जो भी अच्छा लगे वो आप इसमें से इफेक्ट लगा सकते हो। तो अभी जो है आपको इसको सेव कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सेव करने के लिए सिंपल से आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ये जो माइक वाला आइकॉन है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जो है इसका रीनेम कर सकते हो, अगर चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर ऐसे ही क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए, तो आपका जो ऑडियो है वो सेव हो जाएगा। तो आप इस तरह से यहाँ पर प्ले करके भी सुन सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इसके कमाल के फीचर्स बताता हूँ। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको ट्रिम ऑडियो का ऑप्शन मिलता है, जिसका यूज़ करके आप किसी भी ऑडियो को ट्रिम कर सकते हो। यहाँ पर मिक्स ऑडियो करके आप दो ऑडियो को मिक्स कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ पर आप कन्वर्ट कर सकते हो, और भी आपको इसमें बहुत ही कमाल के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप वीडियो से ऑडियो बना सकते हो, किसी भी वीडियो का ऑडियो निकाल सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर आप स्पीड चेंज कर सकते हो, और उसके साथ ही आपको इसमें और भी बहुत ही कमाल के ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप इसका प्रो वर्जन लेते हो तो इसमें आपको और भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको और एक ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑडियो इफेक्ट नाम से आपको एक ऑप्शन मिलता है। तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कोई भी ऑडियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं एक बार ऑडियो क्लिक कर सिलेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे आप इसमें ऑडियो सिलेक्ट करते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको इको इफेक्ट मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इको इफेक्ट। तो यहाँ पर मैं आपको प्ले करके नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट का प्रॉब्लम, जैसा कि आप मैंने आपको बताया था। तो बार बार प्ले करूँगा तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा सॉन्ग प्ले नहीं कर सकता। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको बहुत ही कमाल के इफेक्ट मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको 3D इफेक्ट मिलता है, और भी बहुत ही अच्छे अच्छे इफेक्ट आपको मिल जाते हैं। तो इसका इफेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करके इसको सेव कर सकते हो। तो इस तरह से जो है आप इस एप्लीकेशन की मदद से बहुत ही अच्छे से ऑडियो एडिट कर सकते हो, और बहुत ही कमाल के इफेक्ट दे सकते हो अपने गाने को या फिर किसी भी ऑडियो को। तो एक बार आप इस एप्लीकेशन को ट्राई जरूर कर लेना। तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताएगा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।